अरे क्रिस, हाँ वो कौन सा काम है जिसमें आदमी को 10 मिनट में पसीना आ जाता है और औरत चाहती है कि वो करती ही जाए? बोलो। शॉपिंग। सासुर जी। हाँ बेटा। आपके बेटी तो नाक में दाम करके रखी है, बताइए अब मैं क्या करूं? अरे मेरे बारे में भी तो सोचो बेटा, मेरे पास तो उसकी माँ है। তুকো অন্য লাগে বেল মারতে পারেন না? আরে গোটা সাইকেলটাই মেরে দিলাম, আপনি বেল মারার কথা বলছেন? এ যে টেড়া মুহ করকে কিউ স্মাইল কর রহে হো, শাহরুখ খান হো ক্যা? সিধা করো। হ্যাঁ থোড়া আর আর, আরে করো না, আব ইতনা দাঁত কিউ ফাড় রহে হো, কম দিখাও। 5'3" হাইট ইতনি ছোটি হ্যায় কি লড়কিয়াঁ হাগ নাহি করতি। ये जितने भी ठरकियों को समझ में आया है ना, साले सबके सब ठरके हैं यहाँ पे। अरे क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। हाँ खुश तो होंगी। और ये दो चाय किसके लिए? आज मेरे मामा जी आ रहे हैं और मेरी माँ का भाई आ रहा है। अच्छा हाँ। तो एक और चाय मंगा लो ना। वो क्यों? तुम्हारे पापा का साला भी तो आ रहा है ना। आजकल की लड़कियाँ अपने मुंह में इतना लिपस्टिक लगाती हैं कि अगर ताजमहल को चूम ले तो लाल किला बन जाए। एक बार पति पत्नी की जोरदार लड़ाई हुई। पति ने तंग आकर अपनी सास को फोन किया। सुनिए सासू जी, आपका ये प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं चल रहा है, मैं इसे लौटा कर आपसे बदलने की डिमांड करता हूँ। सुनिए दामाद जी, आपके प्रोडक्ट की वारंटी खत्म हो चुकी है, रिफंड या एक्सचेंज की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए बालों से पकड़कर दिन में 2 दफा धुलाई करें। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या हुआ रे? गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है साहब। कब से? बचपन से। अभी तक सिंगल नहीं। रेलवे स्टेशन पर एक आदमी चाय बेच रहा था, उसने एक सुंदर सी महिला को देखा और उसे देखते ही बोला, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए आए हाए। तो वो लेडीज बोली, काली सी सूरत हाथों में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय 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 चाय। বন্ধু জানিস, যখন কাউকে ধুমধাম করে বিয়ে করতে যেতে দেখি, তখন আমার যীশু খ্রিস্টের সেই বাণীটা মনে পড়ে যায়, হে ঈশ্বর ওকে ক্ষমা করো, ও জানে না সে কি ভুল করছে। खूबे मोज उड़ाएंगे, बाप का पैसा चुराएंगे, टंकी फुल करवाएंगे, बाप का कैसा चुराएंगे, ओकरो पास फुटी कौड़ी न रहता है। पापा। यस बेटा। ये साडू भाई का कौन सा रिश्ता है? बेटा जब दो आदमी एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो वो रिश्ता साडू कहलाता है। क्या? पापा। यस बेटा। सारा गाड़ी लेके घूमता है साले घटिया आदमी, ऊपर से लोगों को बुला बुला के परेशान करता है, बाहर में गया मुझे नहीं जाना देता तू। साला दादा गोल गोल। रे 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 इधर आएगा, इधर आओ तो। अरे हम देखे तुम्हारा शौचालय बन गया है फिर भी खुले में शौच जाता है, क्यों? अरे आपको मालूम नहीं है, खुले में जाते हैं तो इतना में हो जाता है और शौचालय में जाते हैं तो बहुत डिब्बे का पानी लगता है, और ऐसा में आपको पता नहीं है जल ही जीवन है। ऐसे लोगों को ऐसा ही बात। कहाँ जा रहे हैं जी?
अरे वो 8 बजे से कुत्ता की रेस है, वहीं जा रहे हैं। ठीक से तो चल नहीं पाते हैं अब रेस लगाने जा रहे हैं। सुनो जी, आपको पता है आज मैं मार्केट गई थी, 4-5 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे, मैंने उन लड़कों की कुटाई कर दी। यार तुझे 70 बार बोला है साली, हर जगह अपनी बहादुरी मत पेला कर। क्यों, क्या हुआ? साली वो लौंडे मुझे पेल गया। चेतन, चेतन, तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है भाई, तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ। अगली बार से ना। सॉरी भैया। संडे बैंक बंद, चल निकल यहाँ से। भैया आज तो वेंसडे है। हाँ तो मैं भी तो जवान हूँ भैया, क्या मतलब हुआ? हेलो मिस्टर। हाँ अभी बैंक खुला है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अरे एक सवाल बताओ। हाँ। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? सर टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। वाह शाबाश, फंटास्टिक, बहुत अच्छा। उदाहरण दे के बताओ। सर कल मैंने आपकी बेटी को देखा था, आज प्यार करता हूँ और कल भगा के ले जाऊंगा। मैनेजर साहब। हाँ बोल। वो हमरा पैसा अपन खाता से निकालना है। अभी नहीं निकल सकता बाबू, कैश खत्म हो गया। अरे बात, हमरा अभी चाहिए अभी। देखो बाबू शांति से बात करो, शांति से। तो ठीक है, बुलाइए शांति के, बात करते हैं शांति से। का हुआ रे, काहे ले इतना रो रहा है? अरे यार जिस लड़की को भुलाने के लिए मैंने शराब पी रखी थी उस लड़की का नाम मैं याद नहीं आ रहा है। अरे सुनो। हाँ बोलो। एक बात पूछूं? पूछो। आलू ने पहली शादी की मेथी से। अच्छा। और दूसरी शादी की उसने गाजर से। ठीक है। और तीसरी शादी की उसने गोभी से। हुँ? और चौथी शादी की उसने मूली से। अच्छा। तो बताओ आलू की पहली पत्नी कौन थी? आलू की पहली पत्नी मैं थी। क्या तू थी? अरे सुन, क्या मैं आपका हाथ चूम सकता हूँ? नालायक, बदतमीज, बेशरम, बेहया, मेरे होठों पर क्या जहर लगा है जो तू मेरे हाथ चूमेगा? एक बात पूछे। पूछो। डॉक्टर लोग ऐसा क्या लिखते हैं पर्चे पर? हाँ। कि साला हम लोग के समझ में नहीं लगता है, सिर्फ मेडिकल स्टोर ही वाले समझते हैं। अरे तो वो ये लिखते हैं। हाँ। कि हम तो लुटिया लिए। हाँ। अब तू भी लूट ले। दरोगा जी। हाँ। जेल में बंद होना है, क्या करना पड़ेगा? मर्डर। ठीक है करके आते हैं। क्यों रे? बीबी से परेशान हो गए हैं। जानिस बंधु, 3 दिन धरे मोजा पुरले पा सदा हो जाए, কিন্তু এত বছর ধরে জাঙ্গিয়া পড়ছি, কোনো উন্নতি পেলাম না, ভগবানের কি যে লীলা। রায়, হোলি কি বিশেষতা বাতাও। হোলি কি বিশেষতা স্যার? होली खास तौर पर जीजा और देवरों का त्योहार है, और जो है सर जी इसमें देवर जो है अपने भाभी से ज्यादा बगल वाली भाभी पर हाथ साफ करता है, और जीजा जी जो है साली पर विशेष ध्यान देते हैं। एगो हमर किस्मत फूटल है, 3 गो साली है, इस साली ससुराल जाने नहीं देती है। अब क्या कर रहे हैं? अपन बीबी के कपड़ा धो रहे हैं। कपड़ा धो रहे हैं? मेरा भी धो दीजिएगा। काहे नहीं, लाइए धो देंगे। तो मेहनत क्या लीजिएगा? अब आप अपने हैं, आपसे का मोल भाव करना, जे हमारी बीबी देती है वही दे दीजिएगा। अरे तू मुंह क्यों धो रहा है? जब एक आदमी मुंह धो रहा हो तो समझ जाइए वो कहीं जा रहा है। अगर औरत मुंह धो रही हो तो इसका मतलब अब वो कहीं नहीं जाएगी। गुरुजी आपके चरण का है। रे तेरा बीबी इतना बेइज्जत करती है, तू काहे कुछ नहीं बोलता है? तनी मजबूरी है। का मजबूरी है? तनी दहेज ज्यादा ले लिए थे। रे अरे यहाँ बैठ के तू का सोच रहा है? रे हम ही सोच रहे हैं। हाँ? कि लड़का जब बिना शादी के चाचा बन सकता है तो लड़की चाची काहे नहीं बन सकती? আচ্ছা দাদা, সরকারি অনুমোদিত দোকান থেকে আমি যদি মদের বোতল কিনি আর আমার বউ সেই মদ খেতে যদি বাধা দেয়, তাহলে তার কি জেল হবে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার জন্য? উঠো উঠো জি,
मेरे लिए नाश्ता बना दो। अरे कहाँ चल दिए? अपने वकील के पास, मुझे तुझसे तलाक चाहिए। परांठे दाल के साथ खाओगे या अंडों के साथ? तुम तो वकील के पास गए थे ना? हाँ गया था, वो खुद बर्तन मांज रहा था। हैं? But not the least, क्या नाम बेटा? जुफरा। आओ जुफरा, देखते हैं तुम क्या कर, कुछ इंग्लिश गाएगी, ये मैं बता रहा हूँ आप। चलो भाई, एक दो तीन स्टार्ट, कम ऑन। पहला नशा